हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रिकीबल। फ्रेंड्स, आज हम ऐसे 3 डिजिट नंबरों का स्क्वायर निकाल लेंगे जो 100 के पास हो। जैसे कि जैसे नंबर हमारा 600 या 700 या तो 300 के पास हो। जैसे हमारा नंबर सपोज हो सकता है 625 या 924। इन नंबरों का स्क्वायर हम कितनी जल्दी निकालें और कितनी आसानी से। फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सपोज फ्रेंड हमें निकालना है, फ्रेंड 302 का स्क्वायर हमें निकालना है। हम कुछ नहीं करेंगे फ्रेंड, सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट का स्क्वायर, जो लास्ट डिजिट रहेंगी उनका स्क्वायर कर लेंगे। फ्रेंड 4 हो गया। उसके बाद फ्रेंड हम 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा फ्रेंड 9। अब उस लास्ट में हम इन दोनों का मल्टीप्लाई इंटू 2 कर देंगे, दैट इज़ 2 × 3 × 2। ठीक है फ्रेंड, यही 3 2 है। ठीक, तब इन दोनों क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 × 12। तो यही हम 12 यहाँ लिख लेंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड, अब हमें हर जो पार्ट है, ये 3 पार्ट है हमारे फ्रेंड, 1 2 3, जैसे ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट, तो हर पार्ट में हमें 2 2 डिजिट लेके चलना है फ्रेंड। अगर सिंगल डिजिट है तो हम 1 0 लेफ्ट साइड में ऐड करके उसे 2 डिजिट बना लेंगे, और अगर हमारा 3 डिजिट है तो हम 1 डिजिट जो बचा हुआ रहेगा उसको कैरी में कर देंगे। तो यहाँ हमारा फ्रेंड सिंगल डिजिट था ना फ्रेंड, तो हम इसको 1 0 ऐड करके डबल डिजिट बना लिए, तो हम यहाँ 0 4 लिखेंगे। यहाँ तो डबल 2 डिजिट में है ही, तो बस कुछ नहीं 12 ही लिख देना, और यहाँ इससे तो कोई मतलब ही नहीं है कितने भी डिजिट में रहें, तो ये 9। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड 302 का स्क्वायर हो जाएगा 9 12 04। ठीक है फ्रेंड, चलिए एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड, अब हम निकालते हैं 708 का स्क्वायर। तो इसके लिए ठीक है फ्रेंड, तो हमें क्या करना है, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटू 2 कर दें, दैट इज़ हमें ये नहीं करना है, 2 × 7 × 8, 7 8 56, और 56 × 2 = 112। तो बस ये लिख देना फ्रेंड 112। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में 2 2 डिजिट लेके चलना है, तो इसका यहाँ 3 डिजिट है, ये इसमें कैरी हो जाएगा, तो फ्रेंड कुछ नहीं, ये हो जाएगा हमारा 64 12 50। यही आपका आंसर है फ्रेंड, देखिए कितनी स्पीड से हमने निकालना फ्रेंड। चलिए एक और कर लेते हैं फ्रेंड। सपोज़ हमें निकालना है 625 का, ठीक है फ्रेंड, कुछ नहीं, 25 का स्क्वायर 625, 6 का स्क्वायर 36। अब क्या करना है, 2 × 6 × 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई इंटू 2 कर देना है, तो 2 × 6 × 25, तो ये हो जाएगा 25 × 150 × 2 = 300। ये 300 हम यहाँ लिख देंगे। अब हमें 2 2 डिजिट लेके चलना है, तो लिख लेते हैं फ्रेंड, तो 25 यहाँ 6 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 306 हो जाएगा, तो 06, अब ये 3 इसमें आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 39। ठीक है, ये हमारा आंसर है 39 06 25 625 का आंसर। ठीक है फ्रेंड, और एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे हमें निकालना है फ्रेंड 409 का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 9 × 81, और 4 × 16, एंड 2 × 4 × 9, 9 × 36 = 72। ठीक है, सब 2 ही डिजिट में, यही हमारा आंसर हो जाएगा 16 72 81। ठीक है, अब ये तो हम देखे फ्रेंड आपको बताने के लिए कर रहे, तो अब देखिए हम कितनी फास्ट फास्ट कर सकते हैं, आप भी इसी तरह कर सकते हैं फ्रेंड। सपोज़ हमें निकालना है, तो 524 का स्क्वायर निकालना है, तो 24 का स्क्वायर 576 ये लिख लिया, 5 का स्क्वायर 25, और 24 × 5 × 2 करना है, तो 5 × 2 = 10 240 हो जाएगा फ्रेंड। ये कैलकुलेशन है, आपको देखना है कि आपको 2 × 5 × 24 करना है, तो आप चाहे 5 × 2 = 10 करके × 24 करिए, चाहे 24 × 5 करके फिर 2 करिए, चाहे 24 × 2 करके फिर 5 करिए, ये तो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड, मैंने × 5 × 2 किया 10 हो गया, × 10 कर 24 कर दूंगा, बहुत आसानी से निकल गया 240। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए
तो ये हो गया हमारा 240। अब बस हमें इन सबको सॉर्ट आउट करके अच्छे से लिख लेना है। ये हो जाएगा 2 डिजिट 76, 5 इसमें आ जाएगा कैरी, 245 45 हो गया, और 2 इसका चला जाएगा इसमें कैरी, तो ये हो जाएगा 27। यही आपका आंसर है फ्रेंड, 524 का इसका। देखिए फ्रेंड कितनी जल्दी से निकाल लिया। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह एक और कर लेते हैं फ्रेंड। सपोज़ हम ले लेते हैं 506 का स्क्वायर निकालना है, कुछ नहीं फ्रेंड, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, और 5 6 30 2 60, बस यही आपका आंसर है फ्रेंड, 25 60 36। ठीक है फ्रेंड, ये होगा हमारा 25 होगा फ्रेंड। ठीक, यही हमारा आंसर है। तो फ्रेंड ये ट्रिक अच्छे फ्रेंड, बस इसकी एक लिमिटेशन है कि हम जो है फ्रेंड यहाँ से जो 100 नंबर होगा, जैसे 600 या 700, इससे बस 625 तक के ही नंबर निकाल सकते हैं। अगर आपको 25 तक का स्क्वायर याद है तो 600 से 625 या 400 से 425, मतलब 100th वाला कोई भी 400 हो या 600 हो या 700 हो या 900, वहाँ से 25 तक, और उसके पूरे पीछे का नंबर नहीं निकाल सकते। सपोज़ हमें 595 का निकालना है, तो इसका स्क्वायर हम इस ट्रिक से नहीं निकाल सकते। फिर इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है पिछली, उससे हम अच्छे से निकाल सकते हैं। फिर उससे हम किसी भी 3 डिजिट नंबर के स्क्वायर, बस ये इससे थोड़ा लेंदी हो जाएगा फिर, लेकिन हर नंबर का, इसमें तो एक स्पेसिफिक नंबर का स्क्वायर निकालना है इस ट्रिक से, उससे हम किसी भी नंबर के स्क्वायर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं फिर। ठीक है फ्रेंड, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड, थैंक यू।